लोग कहते हैं ना यार इंजॉय करो लाइफ को, क्या करो, इंजॉय करो। मौलवियों ने क्या बना दिया है, मुश्किल। हम जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की मजलिस में गए तो हज़रत ने फरमाया कि औरत पर लाजिम है कि अपने देवर से पर्दा करे। हमने कहा ये क्या भाई, जॉइंट फैमिली में भाभी देवर से क्या करेगी पर्दा, उफ अच्छी भली हंसी खुशी ज़िंदगी इसमें है, पर्दा मत करो, आराम से सब मज़े ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजारो। लड़कियां अपने कज़न से क्या करेंगी, पर्दा करेंगी। शौहर अपनी बीवी को अपने दोस्तों से पर्दा कराएगा। ज़िंदगी का मज़ा क्या ख्याल है भाई, लिबरल लोगों के यहाँ तो ये मज़ा क्या हो गया यार, अब इन्जॉय करो कोई, हम तुम्हारी बीवी को थोड़ी देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं ना क्यों छुपा रहा है भाई अपनी बीवी को हमसे, जो लिबरल लोग हैं ना वो इस किस्म की बातें करते, क्या हो गया यार अगर देख लिया किसी की वाइफ को। दिल साफ होना चाहिए, है भाई, दिल क्या होना चाहिए, साफ। कुछ नहीं होता किसी की बीवी देख ली, उसकी बहन देख ली, उसकी बेटी देख ली और वो कोई नहीं, सब कुछ नहीं होता, होता है भाई सब कुछ होता है। मैं नहीं कह रहा कि हर जगह सब कुछ होता है, हर जगह तो कहीं भी ख़राबी नहीं होती, लेकिन बाज़ जगहों पे बहुत कुछ हो जाता है, कुछ ना होते होते भी बहुत कुछ हो जाता है। आप अगर लाल बत्ती का सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे, होता तो कुछ भी नहीं है, ज़रूरी थोड़ी किसी को टक्कर ही मार दें आप भाई। रेड सिग्नल है तो आप अगर सिग्नल तोड़ के निकल जाओ तो क्या होगा, कुछ होगा। बहुत लोग सिग्नल तोड़ते हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन हुकूमत ने फिर भी सिग्नल तोड़ने पर पाबंदी, इसलिए कि होता भी है बाज़ दफ़ा, और जो होता है तो फिर अगले की टांगें टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, क्या ख्याल है भाई। तो अल्लाह भी जानते हैं हमसे ज़्यादा कि हर जगह पर्दा ना करने से नुकसान नहीं होता, बहुत से घरों में पर्दा नहीं होता फिर भी कोई नुकसान नहीं है, कोई ज़िना नहीं हो रहा, कोई आँख मटक्के नहीं हो रहे, लेकिन जहां नुकसान है वहां नुकसान है क्यों, पर्दा ना होने की वजह से। लिबरल लोगों को दुनिया के मामले में तो ये उसूल समझ में आता है, आखिरत के मामले में घुन्ने बन जाते हैं। घुन्ने का मतलब फिर हर दफ़ा लुगत में बताना पड़ता है, उर्दू में घुन्ना उसे कहते हैं कि अंदर से बहुत होशियार हो, ठीक है, ऊपर से बातें ऐसी करता हो जैसे इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं ना बेवकूफ़ बन के पेड़े खाने वाला, यानी घुन्ना बन के क्या करता है, पेड़े खाता है, काम वाम नहीं करता, मुझसे होता नहीं है, लेकिन पेड़े खाने के लिए आ जाता है। सीट बेल्ट बांधने का ऑर्डर है ना, गाड़ी जब ड्राइव करें तो क्या करें, सीट बेल्ट, बहुत सख्त। ये तो पाकिस्तान में इतनी सख्ती नहीं है, दुनिया में कहीं भी जाएं सीट बेल्ट के बगैर फौरन चालान होता है, आपको भी सीट बेल्ट बांधनी है और साथ वाले को भी। क्यों, क्या सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो टांगे टूट जाएंगी आपकी। भाई लोग कहते हैं ना भाभी अगर देवर से पर्दा नहीं करे तो क्या हो जाएगा उसके, माज़ अल्लाह उसके साथ भाग जाएगी क्या, है भाई, साली अगर बहनोई से पर्दा नहीं करेगी तो क्या भाग जाएगी उसके साथ, क्या हो जाएगा। हम तो 20 साल से हमारे यहाँ पर्दा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मौली साहब हमारे यहाँ तो कभी कुछ नहीं हुआ, ये तो अब मौलवियों ने नए नए किस्से सुना दिए। लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो भाई सीट बेल्ट अगर नहीं बांधेंगे तो क्या टांगे टूट जाएंगी। पाकिस्तान में तो कोई भी सीट बेल्ट नहीं बांधता तो क्या सारे टुंडे लुंजे फिर रहे हैं यहाँ पे, हैं भाई, सबके माशाल्लाह अक्सर के पुर्जे सलामत हैं, सारे पुर्जे क्या हैं, सलामत, एक्सीडेंट भी हुए हैं, गाड़ियाँ उल्टी भी हैं, फिर भी तमाम पुर्जों के साथ निकल के बाहर आ जाते। इसके बावजूद सख्ती है कि सीट बेल्ट क्यों, इसलिए कि जिन लोगों के पुर्जे सलामत नहीं रहे ना वो सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से। सीट बेल्ट जब आप नहीं बांधते, एक्सीडेंट छोटा सा भी बहुत ख़तरनाक होता है। लॉन्ग रूट पे कई दफ़ा हमें भी ड्राइविंग का मौका मिला तो ज़रा सी ब्रेक लगती है ना, बच्चे जाके शीशे से लगते हैं जाके। सीट बेल्ट कहते हैं क्या है भाई, ज़रूरी, कभी भी हादसा हो सकता है, हो सकने की बेस पर कानून बनाए जाते हैं कि 99 एक इंसान को बचाने के लिए 99 को भी कानून की पाबंदी करनी पड़ती है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही।
اب گھروں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں کسی بھابھی کا دیور کے ساتھ آنکھ مٹکا ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ گھر ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، سو میں ایک بھی اگر ایسا ہوگا تو ایک کو برائی سے بچانے کے لیے اسلام ان 99 پر بھی پابندی لگائے گا، ان 99 پر بھی اسلام کیا کرے گا، پابندی لگائے گا، اور آپ کو اسلام کی پابندی کو فالو کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ ہم تو کیوں، ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں. انگریزوں کا جو کلچر آج تباہ ہوا ہے یہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. انہوں نے یہی براڈ مذہب کی بغاوت کی اور براڈ مائنڈڈ بنے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہوتے 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 آپ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک وقت تک انسان برائی کے خلاف لڑتا ہے، پھر جب برائی کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں برائی نہ کرتا، ہائے توبہ کرتا ہے. لیکن اگر واپس نہ پلٹے، پھر برائی کرتے کرتے پھر اس برائی کو کیا کہنے لگتا ہے کہ یہی معاشرے کا حصہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اسے شراب اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ شرابی کے منہ سے بدبو، وہ اپنی اولاد کو بھی بچائے گا، لیکن جو پی رہے ہیں ان کو بری نہیں لگتی، وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اسی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ جو عورت کو آزاد کر دیا، دیور سے بھی گپے مار رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ گھر میں جوائنٹ فیملی میں یہ بیان سنتے ہیں، ہماری بھابیاں بھی سن رہی ہیں، سالیاں بھی سن رہی ہیں، اور مفتی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہ میں پھر ایسا کروں گا، فیس بک پہ اعلان کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ اپنی سالیوں کے ساتھ بیان سنتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، سالیاں الگ ہو جائیں. سالیوں کے لیے الگ بیان کروں گا اور سالوں کے لیے الگ. تو بھائی ہم بھی تو مجبور ہیں نا، بات تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے.